ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। आई होप फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स सो आज हम एक न्यू रीडिंग लेकर आए हैं जो कि है करंट फीलिंग्स पे। आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के अंदर। उनकी क्या मन में विचार चल रहे हैं, क्या इंटेंशंस हैं इस रिश्ते को लेके, क्या चाहते हैं वो, क्या एक्शन होगा, कुछ करना चाहते भी हैं या बस यूं ही अटके हुए हैं अपनी लाइफ में। सो पूरी उनके मन की बात जानेंगे, आपके लिए निकालेंगे डिवाइन गाइडेंस कि डिवाइन आपको क्या कहते हैं, आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली इस पूरी सिचुएशन के अंदर। सो आई होप फ्रेंड्स कि आप इस रीडिंग के लिए इंतज़ार करते हैं बहुत ज़्यादा। सो मैं इसे लेके आ गई हूँ जल्दी से। फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग होगी, इसे नाम राशि के अकॉर्डिंग या सन एंड मून साइन के अकॉर्डिंग देखें। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप जब कार्ड्स निकालते हैं ना राशि के, तो फिर आप उसमें भी कार्ड्स के साइंस बताएं। देखिए उसमें कार्ड्स के साइन बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जब हमने एक पूरी रीडिंग किसी एक साइन को ही डेडिकेटेडली निकाली जा रही है, तो उसके अंदर कार्ड्स के साइन बताने का कोई सेंस नहीं है और वो कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं कहूँ कि ये उसके कार्ड्स हैं, ये इसके कार्ड्स हैं। अब हर एक पर्सन की, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो ये उसके अकॉर्डिंग ही निकला है। सो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझा करें, इसलिए मैं कभी भी नहीं बताती। और हर टैरो रीडर का, हर एक का अपना तरीका होता है रीडिंग करने का, सो वो भी एक चीज़ है। एनीवेज बाकी आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो नंबर ऊपर मेंशन है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो वर्गो राशि, आइए देखते हैं कि क्या सोचते हैं आपके पार्टनर, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। सो वर्गो राशि के पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं सबसे पहले। सो पेज ऑफ अर्थ, द मून, क्वीन ऑफ वाटर एंड द एम्परर। सो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर वर्गो? आपके पार्टनर अभी फिलहाल अपने आप को कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहे हैं चीज़ों के लिए। अपने आप को, अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जहां पर मैं अपनी लाइफ को आगे किस तरह से डील करूं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है वर्गोस कि आप बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हैं, पर इस रिलेशनशिप को लेकर उनके मन में बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा पेन है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अब या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ एक गैप बना लिया है कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही, या ऐसा हो गया है कि इन्हें क्लियर नहीं हो रही चीज़ें, या इतना इल्यूजन हो गया है कि सामने से हिम्मत करके अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ ऐसा, या फिर कुछ इस तरह से चीज़ें इनकी हो गई हैं कि इन्होंने जो इतना आपको अभी पूरे फेज में एक एटीट्यूड शो करा है या पूरी एक चीज़ अपनी दिखाई है, अब किस तरह से वो उन चीज़ों से उभरें और किस तरह से वो उन चीज़ों से बाहर निकल कर एक एक्शन आपकी तरफ लें, वो उनको बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा। सो मुझे जो उनकी करंट फीलिंग्स दिख रही हैं वो ये है कि एक तरफ तो एक बहुत लविंग वर्गो है, पर्सन है, और दूसरी तरफ जो आपके पार्टनर हैं वो अपने एटीट्यूड में, अपनी एरोगेंस में, अपने गुस्से में ही रहना चाहते हैं। हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप को लेके इनकी इंटेंशंस क्या हैं फ्यूचर में, क्या है इनकी इंटेंशंस। सो थ्री ऑफ एयर, फोर ऑफ एयर, टू ऑफ वाटर एंड द लवर्स। देखिए वर्गो, मुझे जो बहुत क्लियर इनकी इंटेंशंस दिख रही हैं या इस रिश्ते को लेके जो ये सोचते हैं वो ये है कि इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इन्हों के पास एक ऐसा रिश्ता था या है भी जिसमें
ये किसी वजह से थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, इनकी शुरू से आदत रही है या इन्होंने शुरू से ही थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया है। कहने का मतलब है कि जब भी आपका इनका कोई जब आप दोनों इन्जॉय कर रहे हैं, खुश हैं, तब तो ये सही हैं, लेकिन जैसे ही आप दोनों के बीच में कोई मतभेद होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई स्ट्रेस होता है, तो ये इमीडिएटली उस चीज़ को ऐसे दिखाते हैं या ऐसे इन्होंने पेश किया है आज तक कि उसे इन्होंने इतना बड़ा बवाल कर दिया उस बात का कि वो खराब हो गई। एक ऐसा रिलेशन जहाँ पे टू ऑफ वाटर यानी टू ऑफ कप्स लव है आपस में, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को लेकर आए, थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने इतना इंटरफेरेंस दिखाया, चाहे ये उसके साथ लव अफेयर करने लगे, चाहे कोई भी और रिलेशनशिप इन्होंने उसके साथ बनाया, चाहे इनकी फैमिली का इंटरफेरेंस कराया, दोस्तों का कराया, जो मर्जी कराया, अपने आप को इन्होंने ऊपर रखा क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है, खुदा समझते हैं ये अपने आप को कि मैं जो चाहता हूँ या मैं जो सोचता हूँ वही सही है, कुछ ऐसी वाली फीलिंग्स में जो मुझे दिख रहा है। बट अब एक बहुत क्लियर जो चीज़ नज़र आ रही है कि बस की इनकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इतना ज़्यादा हर्ट हो गए हैं इन सारी चीज़ों से, आप इतना ज़्यादा बुरा फील करते हैं इन सब चीज़ों से कि आप शायद इतने सौरों में चले गए हैं कि आप इन्हें ये लगता है कि मैं किस तरह से वर्गों को अप्रोच करूं, किस कहते हैं ना जैसे किस मुंह से मैं जाऊं, सो किस मुंह से मैं वर्गों के पास जाऊं, और हर चीज़ को इन्होंने ऊपर वाले पर छोड़ने का निर्णय लिया है। इन्हें ऐसा लगता है कि हर चीज़ को मैं ऊपर वाले को के ऊपर छोड़ दूं और वही हर चीज़ का एक डिसीज़न बनाएगा। सो इन्होंने अपनी सिचुएशन में इंटेंशन वाइज इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। मैं देखती हूँ क्या ये फ्यूचर में अगले एक हफ्ते में, हमें दिख रहा है कि आने वाले दिनों में ये कोई एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। सो वर्गों के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे, हम देखते हैं वर्गों के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे। सो वर्गों के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे। टेम्परेंस, हैंगडमैन, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो, आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि बहुत डिस्प्यूटेड एनर्जी में, बहुत पेन है इनकी लाइफ में, इन्होंने अपनी खुद की जिंदगी जैसे कहते हैं ना खुद खराब करी है, आपको ईगो दिखा दिखा के, आपके साथ लड़ लड़ के इन्होंने अपनी लाइफ खुद तबाह की है। और ये सबसे अजीब बात ये है वर्गो कि इन्हें इन चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, ये समझ रहे हैं कि ये जो फालतू के डिस्प्यूट्स इन्होंने क्रिएट किए, फालतू की ईगो दिखाई, अब एक ऐसा टाइम आ गया कि आपने भी बोल दिया भाई बहुत हो गया, मैं नहीं संभाल सकती या संभाल सकता, हद हो गई, तो अभी ये पेन में है, स्ट्रेस में है, अटके हुए हैं अभी अपनी लाइफ में, इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे लाइफ में डिसीज़न क्या लेना चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल डिसीज़न लेने चाहिए या मुझे इमोशनल, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल भी स्टेबल थॉट प्रोसेस से नहीं चलता चीज़ों में, बहुत ही ज़्यादा इसकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत स्टैगर्ड हैं, बिखरी हुई हैं, और एक स्टेबल इंसान ही डिसीज़न लेता है ऐसी सिचुएशन में। सो ये मुझे बिल्कुल भी स्टेबल नहीं दिख रहे, ठीक है। सो ये है इनकी एनर्जीज एक्शन के लिए जिसमें ये हैंग्ड हैं। मैं डिवाइन की तरफ से देखती हूँ क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं वर्गो राशि। डिवाइन, आपके लिए क्या है, वर्गो के लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस। तो वर्गो राशि को डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, सो जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चिंताएं आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, इन्हें एक्सेप्ट करें, इन्हें पास करने की कोशिश करें, ये जो बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं वर्गो, इन्हें समझने की कोशिश करें, ठीक है। अगला है डिस्ट्रप्शन, तो आप भी अपने पार्टनर की तरह बिखरी बिखरी एनर्जी में ना रहे, ये जो डिटैचमेंट वो आपको फील करा रहा है ऊपर वाला, उसे समझने की कोशिश करें, क्यों इतने आप डिसअपॉइंटेड हैं, क्यों आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें आपका क्या रोल प्ले था, आप कहाँ पर कौन सी चीज़ों को ठीक कर सकते थे जो आप नहीं कर पाए, ये सारी चीज़ें आपको भी कहीं ना कहीं सोचनी है,
ठीक है। एंड अगला है सेक्रल चक्र, यानी कि अपने हार्ट चक्र के बारे में भी सोचें कि क्या है चीज़ें, और ये ना हो कि आप इमोशनली इतना डाउन हो जाएं, इतना डिस्ट्रप्टिव एनर्जी में आ जाएं कि आपको समझ ना आए। सो टेक केयर ऑफ योर हार्ट, योर माइंड, योर बॉडी। बिल्कुल स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करें वर्गो, आपकी ये प्रॉब्लम्स ज़रूर सॉर्ट आउट होंगी। सो ये है वर्गो राशि आपकी रीडिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको अपने करंट पार्टनर की एनर्जीज की रीडिंग से कुछ चीज़ें क्लियर हुई हो। ऐसा है तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।